मेरी मेरी डोरिया में अंगद के पापा इंदर गैरी और सीरत के शादी में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया था कि जो निर्णय अंगद ने लिया है गैरी और सीरत की शादी करवा के, ये अंगद की तो सबसे बड़ी भूल है। पर दारजी भी उतने ही दोषी हैं क्योंकि उन्हें इतना तजुर्बा होते हुए भी आज उन्होंने अंगद की ली गई फैसले को गलत नहीं बोल पाए, जबकि सबको पता था कि अंगद सीरत से बेहद प्यार करता था। पहले वो अपनी रूह से उसे प्यार करता था और सीरत की वजह से अंगद कितना टूट गया था, वो भी गैरी की वजह से। पर क्या जो अंगद ने गैरी की जगह सीरत को दहलीज में सहारा दिया जब वो तेल पर फिसलते फिसलते बच गई, तब भी क्या किसी को नहीं दिखा आने वाली वो तूफान जिसको अगर थाम के ना रखा जाए तो पूरे घर को तहस नहस कर सकता है। अब इंदर की हर बात से वाकिफ है मनबीर भी और साहिबा भी, पर साहिबा को अब भी कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी बहन पहले की तरह नहीं है और अब इतने चोटे खाने के बाद अब वो पहली वाली गलतियां नहीं करेगी। पर क्या साहिबा को ये मालूम है कि उसकी बहन, जिसके लिए वो अरदास करते करते नहीं थकती कि उसकी सलामती रहे, आज उसके ही पति के ख्यालों में डूबी रहती है सीरत, और अब उसे अंगद से वो प्यार चाहिए जो उसे मिल ना सका गैरी के वजह से। पर अब भी अपना हक समझती है अंगद पर, और इंदर तो दारजी पर इतना गुस्सा है कि वो इतना तक कह देता है कि गैरी का वापस आना उस घर में उस सांप की तरह है जो अपनों को ही डस लेगा, और सीरत वो लड़की है जो गैरी से भी एक कदम आगे है और बड़ी चालबाज है, और अंगद की बर्बादी अब शुरू हो गई है ये शादी के बाद। पर कोई भी इंदर को समझने की कोशिश नहीं करता, अब की बार तो अंगद भी नहीं। जब उसके पापा उसे पूछते हैं कि क्या उसके लिए वो ज्यादा मायने रखते हैं या उसका दिया गया सीरत को वादा ज्यादा मायने रखता है, और अंगद इस बार भी वही दोहराता है कि उन्होंने ही उसे बचपन से सिखाया है कि अपने वादे से कभी नहीं मुकरना चाहिए। पर क्या किसी को भनक है कि जो बात आज इंदर शराब के नशे की हालत में बोल रहा है वो 100% सही है, और जितनी मौका परस्त सीरत है उतना ही मौका परस्त गैरी और उसका परिवार भी, और अब ये जाल इतना बिछ जाएगा कि किसी को खबर भी नहीं होगी कि निकलना कहां से है। तो देखते रहिए आगे की कड़ियों में क्या होता है, जहां हम आपको अपडेट्स लेकर देते रहेंगे तेरी मेरी डोरियां की।